सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने एक क्रूडल की वीडियो अपलोड करी थी, शो आपने शायद वो देख ली होगी। ये आपके लिए अब होगी नेचुरल गैस के ऊपर। सो इसमें देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो अपन रखेंगे नहीं, बट फिर भी थोड़ी बहुत लंबी तो होगी ही, तो आप इसको पूरा देखिएगा। समझ में आता है तो बिल्कुल समझिएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर अपन सिर्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, अपन इसके अंदर एनालिसिस करना सीखेंगे। सो आइए, अभी ये सबसे पहले मैंने वीकली बेसिस का टाइम फ्रेम यहाँ लगा रखा है। वीकली बेस के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट क्या कर क्या रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। तो वीकली बेसिस के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा तो यहाँ से आपको दिखेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज में खड़ा है मार्केट। ये रेंज ही डिसाइडेबल रहेगी कि मार्केट यहाँ से जाएगा या रुकेगा। अभी जहाँ खड़ा है वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल, ये वाला 221 का मार्केट। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पहले भी आया था, नीचे आया, फिर आया, फिर नीचे आया, बट अपने को इतना लंबा वीकली बेसिस पर नहीं जाना है। खाली वीकली बेसिस पर अभी क्या चल रहा है करंट में वो देखते हैं अपन, ठीक है। उसके अलावा अपन डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे ये पूरा। तो यहाँ देखिएगा वीकली बेसिस के ऊपर क्या चल रहा है। ये देखिएगा मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इस तरह से क्या बना रहा है, ट्रेंड फॉलो कर रहा है। बहुत सॉलिड ट्रेंड है भाई, बहुत सॉलिड ट्रेंड है। यहाँ आप नज़र डालिएगा थोड़े इसके ऊपर, यहाँ आया मार्केट बाइंग दिया, यहाँ आया सेलिंग दिया, फिर आया फिर बाइंग दिया, फिर सेलिंग दिया, फिर बाइंग दिया। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है। ये हाई था, इसके ऊपर हायर हाई हुआ, ये एक हायर लो हुआ, ये हायर हाई हुआ, ये हायर लो हुआ, अब नया हाई बनने जा रहा है, इसको बोलेंगे हायर हाई। ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो दिख रही है। सो मार्केट देखो एकदम अच्छा फॉर्मेशन कर रहा है। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि मार्केट का देखो, ये जो स्विंग बना है, ये स्विंग बना है, इसके ऊपर मार्केट गया, नया हाई बना, फिर नीचे आया, फिर एक स्विंग बना, इसके ऊपर गया, हाई बना, फिर ये स्विंग। अब इसको तोड़ने के लिए मार्केट के पास एटलीस्ट ये लेवल दिख रहे हैं अभी, यदि टूटते हैं तो ये लेवल है एटलीस्ट। आइएगा क्या टारगेट्स होंगे वो वीकली के ऊपर, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये एनालिसिस नहीं है, अपन एनालिसिस करना सीख रहे हैं कैसे करते हैं। देखो ये एक स्विंग है मार्केट का, इस स्विंग तक का टारगेट अपन लेके चलेंगे। इस स्विंग पर सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ के इस स्विंग पर सेलर्स है, इस स्विंग पर सेलर्स हैं। दो स्विंग आपको देखने को मिल रहे हैं, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है। इन दोनों स्विंग्स पर आप सेलर्स को देख सकते हो। ऊपर वाला जो स्विंग है लगभग 294 के आसपास है, 264 के आसपास है, और ये वाला है 236 और 37 के रेंज में है। तो आपको दिख रहा होगा मार्केट में ये लेवल्स दोनों ही इम्पोर्टेंट लेवल्स है। यदि 267 के ऊपर मार्केट गया तो आपके लिए एक अच्छा खासा गया, मतलब मिस इसके ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। क्लोजिंग हुआ, सस्टेन किया, तो आपके लिए 247 शायद मैंने बीच में पीछे कुछ अलग बोला हो तो ध्यान रखिएगा, 247 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक का आपके टारगेट बनेगा। और इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपके लिए जो टारगेट्स खुल रहे हैं एटलीस्ट वो टारगेट यहाँ तक के खुलेंगे। ये एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक लॉन्ग व्यू बता रहा हूँ आपको, 276 और 77 वाला टारगेट यहाँ पर अपर साइड का रहेगा, ठीक है। ये वीकली बेसिस पर एक बुलिश ट्रेंड का जो सिग्नल यहाँ पर हायर का फॉर्मेशन चल रहा है उसके बेसिस पर टारगेट बनते हैं नेचुरल गैस के ऊपर, एक पोजिशनली व्यू। बट ऐसा नहीं होता है, बाय चांस मार्केट क्या करता है, ये इस स्विंग लो को निकाल देता है, जो भी बनाए 205 का स्विंग लो है लगभग, इस स्विंग लो के नीचे मार्केट निकलता है। ये वाला स्विंग लो कौन सा, ये स्विंग लो है, इसके नीचे मार्केट निकल जाता है। तो आपके लिए जो टारगेट यहाँ पर फिर क्या बनेंगे, 205 के नीचे मार्केट यदि सस्टेन होता है तो आपके लिए बहुत अच्छे टारगेट डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं आपको, एटलीस्ट यहाँ तक के 177 तक के लिए। यह वीकली बेसिस का एनालिसिस रहेगा बड़ी टाइम फ्रेम पर, जो लॉन्ग व्यू लेके चलते, पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं उनों के लिए हो गया। अब अपन आते हैं यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे में नहीं, अभी अपन डे टाइम फ्रेम पर आएंगे, जो डे टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है वो आपको सबसे पहले समझना होगा कि मार्केट यहाँ पर एक वही हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा है। मार्केट बिल्कुल यह सिग्नल दे रहा है अपने को, हायर हाई बना के चल रहा है, और हायर हाई के फॉर्मेशन में भी मार्केट कहाँ खड़ा है,
मार्केट कहाँ खड़ा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट कहाँ खड़ा है? एग्जैक्टली फिबोनाची की उस लेवल पर खड़ा है जो आपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लो मार्क किया, मान लीजिएगा ये लो मार्क किया, ये हाई मार्क कर लिया। अब इसको समझेगा, ये फिबोनाची की रेंज है, ये क्या है फिबोनाची की रेंज है। आप यहाँ पर देखिएगा फिबोनाची में किस तरह से मार्केट अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक मार्केट ने लो बनाया, इस लो से मार्केट ने ये हाई अपन ने कनेक्ट किया, ये हाई मार्केट का लो पॉइंट ये हुआ करंट के, और ये हाई पॉइंट हुआ, इन दोनों को अपन ने यहाँ पर फिबोनाची से हाई और बॉटम, लो बॉटम कनेक्ट कर लिया। अब मार्केट स्लो ऑन स्टडी से नीचे आया, स्लो ऑन स्टडी आया 0.5 और 0.6 की रेंज में लगभग मार्केट आया, और उन्हीं लेवल से मार्केट ने एकदम यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न कंसिडर हुआ। आप यहाँ देख सकते हो, इसे इनसाइडर बार भी अपन बोलते हैं, देन यहीं से बाइंग क्रिएट हो गई। अब होगा क्या, यहाँ से दो सीन बन सकते हैं जो कि हमेशा अपन रखते हैं, दो व्यू यहाँ से किस तरह का व्यू बनेगा वो अपन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैं फिबोनाची की रेंज, आपको पता चल गई होगी फिबोनाची की रेंज भी आ रही है यहाँ पर, तो ये अपने लिए एटलीस्ट एक इम्पोर्टेंट लेवल है। एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये वाला आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है, इस रेंज में आपको बाइंग बिल्कुल दिख सकती है, ये वाला 0.5 का, और मैंने यहाँ पर आपके लिए रेंज को बहुत अच्छी तरह से पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था। सो समझिएगा इस रेंज को। अब यहाँ पर दो कैसे सीन बनेंगे, देखो जैसे कि डेली टाइम फ्रेम है ये, अब डेली के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक इस तरह का पैटर्न भी बना रहा है, इसको अपन बोलते हैं बुलिश फ्लैग, क्या बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, जो यहाँ पर बन रहा है, और इसका ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये रिट्रेसमेंट भी हो गया है लगभग। अब यदि मंडे के दिन जो मार्केट है वो इस रेंज के ऊपर निकलता है, जो ये प्रीवियस कैंडल बनी इसके ऊपर निकलता है, देन मार्केट के अंदर एक बुलिश सिग्नल अपने को देखने को मिल जाएगा। मार्केट में एक बुलिश व्यू लेके ही अपने को चलना है फिर पूरा वीक, ये समझ जाओ पूरा वीक बुलिश व्यू लेके चलना है इस रेंज के ऊपर मार्केट यदि जा रहा है तो, ठीक है, इस रेंज के ऊपर जा रहा है तो अपने को एक बुलिश व्यू लेके चलना। मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ 229 मान लो, 229 इसके ऊपर गया मार्केट का फर्स्ट टारगेट 237 के बाद 247 ये टारगेट आपके लिए बुलिश साइड के रहेंगे। बट आपको मैंने सारे यहाँ पर बता तो दिए, ये बुलिश फ्लैग है, ये बुलिश फ्लैग सभी को दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट टॉप ये हो गया सेकेंड टॉप, ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से ये से आ जाए, ऐसा होना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों होना डिफिकल्ट है कि मार्केट ने जो ये सेलिंग के जो यहाँ पर सीन क्रिएट किया है, ये बहुत स्लोन सेलिंग रहा है। बट यहाँ की जो देखो बाइंग गई वन साइड, तीन कैंडल में मार्केट ऊपर फिर ऊपर गैप अप, तो ये बाइंग बहुत तगड़ी रही है, और जो सेलिंग है ये बाइंग की तुलना में सेलिंग बहुत कमज़ोर है। तो मार्केट में एटलीस्ट ये एक बुलिश पैटर्न है, और मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन भी बना रहा है, जो मैंने आपको पैरेलल चैनल में पीछे से दिखाई है उसमें आपको ये भी सिग्नल दिया मैंने कि मार्केट एक हायर हाई के फॉर्मेशन में ऊपर ही जा रहा है, और 0.5 के रेंज में खड़ा है फिबोनाची के, वहाँ से रिट्रेस लेके मार्केट ऊपर गया है। अब यदि ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम अपने को 277 तक का देखने को मिल सकता है, फिर वहाँ तक का व्यू अपने को देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कंडीशन आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, 205 के नीचे यदि कैंडल क्लोज देता है तो अपने को डाउन साइड का व्यू लेके चलना 177 तक का, देन 229 के ऊपर कैंडल क्लोज, 237 का फर्स्ट टारगेट, 237 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर अपने लिए अच्छे खासे टारगेट खुल गए, 247 और 277 के टारगेट अपने लिए एटलीस्ट खुले हुए अपर साइड के लिए। तो ये व्यू अपन लेके चल सकते हैं, एक डे टाइम फ्रेम का ये व्यू बन रहा है मेरा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, आप ध्यान रखिएगा इसको। देन इसके अलावा अपन चलते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम पर, मार्केट क्या कर रहा है उसको भी अपन देख लेते हैं। अवर्ली टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, मैं इसका कलर गायब कर लेता हूँ यहाँ से, तो ज़्यादा थोड़ा सा यार डार्क को कम कर लेते तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से अपन इसको देख पाएंगे। चलो कम ही कर लेते हैं क्योंकि अपने को पता तो चल ही गया मार्केट में क्या सीन है पूरा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक और पैटर्न जो अभी के सिनेरियो में अपने को ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर दिख रहा है, जितने भी अपन ने बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न देखे सारे के सारे क्या थे, बुलिश पैटर्न थे, नॉट बेयरिश। बेयरिश होता है 205 के नीचे क्लोजिंग के बाद मार्केट बेयरिश हो पाएगा। तो यहाँ पर एक और देखो 1 आवर के ऊपर भी एक और बुलिश पैटर्न अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है,
आप चाहो तो मैं बना के बता देता हूँ आपको। अब ये कहाँ तक आएगा वो देखना होगा। बाकी 1 आवर के ऊपर भी एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल लिखिएगा कि इसका नाम क्या है। तो मैंने आपको जो रेंज दिया 229 के ऊपर क्लोजिंग, 237, 237 के ऊपर क्लोजिंग, 247, 247 के ऊपर क्लोजिंग, 277, ये बुलिश सिग्नल के टारगेट्स आपके लिए रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको नीचे से ये ट्रेंड लाइन मार्क करा रखी है, देखो इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट मल्टीपल टाइम बाइंग दिया, बाइंग दिया, बाइंग दिया, बाइंग दिया, अभी यहाँ से बाइंग नहीं हो तो एक बार कभी ये हो सकता है कि 205 पे आए, 205 से कभी कभी 203, एक 203 और 201 की रेंज है, यह भी इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ से भी यदि बाइंग देता है तो यहाँ से भी आप बाइंग का व्यू देख लेके चलिएगा। ठीक है, हालांकि मुश्किल है वहाँ आना इसका, अब मुश्किल है वहाँ आना जिस तरह का इसने सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। तो ये व्यू आपके लिए बन रहा है अवली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन 30 मिनट के ऊपर। 30 मिनट के ऊपर भी सेम वही व्यू है, मार्केट में दोनों साइड लेवल मैंने मार्क कर दिया, अब लेवल का ही ब्रेकआउट होने का वेट करना है आपको, किसी भी वन साइडेड आपको बनना है। तो ये दो लेवल आपके सामने मार्क है, 229 और इधर 205 का रेंज। अब इंट्राडे वाले जो होते हैं उनों के लिए क्या व्यू है भाई, इंट्राडे वाले तो अलग ही व्यू लेके चलना पड़ेगा इंट्राडे वालों के लिए। तो देखो इंट्राडे वालों के लिए यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब मार्केट क्या गया, इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूँ, मार्केट क्या गया, इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा था, इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा था, इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लिया और उसको ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे गया। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे साहब दो तरह की व्यू दे रहा हूँ, बात को समझना, बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मार्केट पहले छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन देता है, यहाँ पर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन तो हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है डबल टॉप का, और नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर है, 217 वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 217 वाले सपोर्ट पे मार्केट आता है यहाँ से, अभी चल रहा 222 पॉइंट के आसपास इसने क्लोजिंग दी अभी। ठीक है, अब यदि 222 217 का आपको यहाँ तक आते हुए दिखता है और यहाँ से मार्केट में बाइंग क्रिएट होती है तो ये एक सॉलिड बाइंग रहेगी, लंबी बाइंग रहेगी यदि यहाँ आके बाइंग, क्योंकि यहाँ पर लगभग सारे के सारे जितने भी सेलर्स थे वो सब ट्रेप हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ से एक लंबी बाइंग, क्योंकि उन लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग होकर नई बाइंग क्रिएट होगी, मार्केट ऊपर के जो लेवल्स आपको मैंने बताएं वहाँ तक के व्यू आपको देखने को मिल सकते हैं फिर। तो इतना आपको समझ में आया, ये रेंज मैं बना रहा हूँ 218 से 217 की रेंज है ये। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रेंज है आपके लिए। इसके नीचे निकलता है तो फिर इसके नीचे भी आपके लिए टारगेट जो रहेंगे वो एटलीस्ट ये स्विंग रहेगा 212.5, और इस स्विंग के नीचे गए तो डायरेक्ट आपके लिए 205 का ही टारगेट है, फिर इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा हर एक लेवल जो मैंने दिया है इसके ऊपर क्लोजिंग, उसके बाद ही लॉन्ग व्यू डिसाइडेबल रखिएगा, और रिस्क उतना ही लीजिए जितना मैनेजमेंट आपका बोलता है, उससे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट लीजिएगा मत, नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने तो व्यू दिया था। तो भाई मैं ये भी बोलता हूँ कि उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग सस्टेनेबल होता है, देन उसके बाद देखो रिट्रेसमेंट पर। ठीक है, तो ये व्यू आपके लिए एनजी का रहेगा पूरा का पूरा, एनजी जिस तरह से मैंने जो मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकता था एनजी में मैंने पूरा करके दे दिया आपको। मार्केट में हर एक सिनारियो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सीन बन रहे हैं, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लगा सकते हो ये वाला सीन, बट इतना मत लगाइएगा आप, यही रखिएगा अभी मैंने जो दिया है यही व्यू लेके चलिएगा आप। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ डेली जुड़िएगा, लाइव भी करते हैं वहाँ पर भी जुड़िएगा, और कमेंट बिल्कुल करिएगा प्यारा सा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।